The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को नौकरशाह के सामने रखे। नौकरशाह का दायित्व है कि उन समस्याओं का समय रहते समाधान करे, लेकिन मेरठ नगर निगम में कुछ और ही नजारा देखने में आया। भीषण गंदगी में जल भराव की समस्या से परेशान नागरिकों की समस्या लेकर निगम पहुंचे पार्षद एहसान अंसारी को नवनियुक्त नगर आयुक्त ने अपने उन प्रवर्तन दल के जवानों से हवा में उछलवा दिया जिनकी तैनाती अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान की जाती है। पार्षद के हाथ पांव पकड़कर उन्हें हवा में तब तक झुलाए रखा गया जब तक नगर आयुक्त अपनी वातानुकूलित कार में सवार होकर निकल नहीं गए। पार्षद छोड़ देने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी यह आवाज़ नक्कार खाने में तूती जैसी हो गई। अब मंगलवार को नगर निगम में दंगल होगा, ऐसा कहना है पार्षद एहसान अंसारी का। इस घटना के खिलाफ मेयर ने भी सभी पार्षदों को अपने ही क्षेत्र की समस्याओं के साथ मंगल दिवस पर टाउन हॉल पहुंचने के लिए कहा है। पहले देखे हुए हैं वायरल वीडियो जो वार्ड 72 के बुनकर नगर व इस्लामाबाद का है। दो दिन पहले यहाँ यह हालात थे। इसे लेकर पार्षद एहसान अंसारी नगर आयुक्त अमित पाल शर्मा को मौके पर ले जाकर समस्याओं से रूबरू कराना चाहते थे और नगर आयुक्त टहला रहे थे किसी और दिन। इसके बाद क्या हुआ वह भी देखिए। आज फर्स्ट बाइट टीम ने मौके पर जाकर पाया कि चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इलाके में करीब 50 से ज्यादा भैंस डेयरी संचालित हैं। इनका गोबर नालियों में बहाया जा रहा है, इस कारण नाली चौक हो गई है। गोबर बहाने के लिए पानी का खुलकर दोहन करना भी साफ नजर आ रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने इस दौरान यह कहा, ये मोहम्मद यूनुस 3 महीने में यह काम हो जाएगा पुल का, लेकिन सर यह 6 महीने हो गए लेकिन अभी तक ये कोई काम पूरा नहीं हुआ। और हमारे स्कूल भी बच्चों को ले आने के लिए भी हम परेशान हैं। रोजाना पानी भरा रहता है, बच्चों को ले आने में इतनी दिक्कत है कि बच्चे भी कह रहे हैं पापा स्कूल कैसे जाए। आप 1990 में ये नाला बनवाया गया था, बुनकर नगर नाले के नाम से मशहूर है, और ये इसीलिए बनवाया गया था ताकि जल निकासी आराम से हो सके। लेकिन उसके बाद जो है, जो हमारे बाद में पार्षद आए, उन्हीं की कोताही थी ये कि उन्होंने डेयरियों में समरसेबल लगवाए, नगर निगम ने समरसेबल लगा दिए और उन्होंने गोबर बहाना शुरू कर दिया। बाकी डेयरी वालों ने अपने पास से समरसेबल लगवा लिए और तमाम गोबर जो है नालियों के अंदर जा रहा है। बार बार शिकायत करने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, उसी की समस्या है ये मैन कि नाले अटे पड़े हैं दोनों। और बुनकर नगर नाला तो ये ज़बरदस्ती पब्लिक के जरिए खोला गया था, वरना तो डेड हो गया था बिल्कुल। शहर विधायक कभी नहीं आए यहाँ पर, इस मामले में कभी नहीं आए, कोई सफाई व्यवस्था कोई सुनने को तैयार नहीं। नहीं, हम भी गए कई बार, कहा हमारे महल्ले वाले बहुत जाते हैं और ये नाली आप पार्षद हैं पुराने हमारे हाफिज साहब, आपके सामने आपने ही बनवाई थी ये, पहले सबसे पहले बैच में थे अरुण जैन जी के साथ। हर घर के मेंबर हैं, ये जूते बना रखे हैं, हम कभी नए कपड़े नहीं पहनते हैं, अपन ना कोई जींस, बस जींस में ये कपड़े में लेकर मांगे पैंट से, बहुत ज़्यादा परेशान है इस महल में, हम तो बहुत ज़्यादा परेशानी का मामला है। यहाँ पर इतना पानी भरा रहता, कोई ना रिश्तेदार, बच्चे इतने परेशान हैं, ना ट्यूशन भेज रहे, हम यहाँ से कहीं और किराए पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कि इस महल में रहने का क्या फ़ायदा। जी यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, हमारा होटल है ये पी सी रोड में, अब के महीने में किराया तक भी निकला, मतलब यहाँ बिल्कुल काम नहीं है बिल्कुल भी। अब विधायक जी जो हैं वो उनको तो पता ही नहीं, 5 साल पहले देखा था उन्होंने तो हमने यहाँ पे बस जब वोट मांगना आए थे, उसके बाद में अभी तक पता ही नहीं विधायक कौन है। हमारे नेता अंसारी जो हैं एहसान अंसारी जी, ये लगे पड़े हैं, अब ये भी अकेले क्या कर लेंगे, जब कोई ऊपर से सुनवाई नहीं कर रहा कोई भी। अब यहाँ पर कोई रोक, हम यहाँ पर वो कर रहे हैं, अगर यहाँ पर जाम लगा दे तो पुलिस आके वो करेगी हम पे अपनी कार्रवाई करेगी, तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका बिल्कुल, नमाज पढ़ने के किसी काम के, स्कूल जाने के कुछ, किसी भी काम के नहीं है बच्चे यहाँ पर, ना यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना कोई नमाज पढ़ रहा है यहाँ पर कोई भी। बस जी यहाँ जो रोज़ाना पानी भरता रहे, निकलने बढ़ने का भी रास्ता नहीं रहता। पार्षद तो यही सामने आए एहसान अंसारी जी, बाकी यहाँ कोई ना पार्षद आता या कभी कभार राशिद आ जा।
नए विधायक तो यहाँ को कभी साल छः महीने में आ गया। प्रॉब्लम तो यहाँ से 5-6 महीने से पानी हटी नहीं रहा बिल्कुल। वहीं पार्षद एहसान अंसारी ने यह कहा। मेरा नाम है एहसान अंसारी, पार्षद वार्ड 72 से, और मेरे यहाँ जो समस्या है जलभराव की, ये लगभग 6 महीने से चल रही है, और मैं रोज़ाना नगराई जी से ये बात कहता था कि मेरी समस्या देख लो चल के, और मैं बहुत परेशान हूँ। तो कह नहीं पार्षद जी, हम तुम्हारे पास मशीनें भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, अधिकारी कोई आने को तैयार नहीं था। मुझे मजबूर होकर के मंगल दिवस में अपनी आवाज़ उठाई, और मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कहा कि पार्षद जी बैठ जाइए। मैं बोला, मैंने कहा चलना पड़ेगा तुम्हें मेरे साथ? लोग नहीं, मैं अभी इन्हें भेज दूंगा। मैंने कहा जी, मैं जिद पे अड़ गया कि आपको लेकर के ही जाऊंगा, और जब मैंने उनसे कहा वो नहीं माने, तो मैं वहीं बैठ गया फिर ज़मीन पे। और ज़मीन पे बैठने के बाद में उन्होंने जो अपने जो रख रखे हैं गार्ड, उन्होंने जो है मुझे उठा करके बाहर निकाल दिया। उसके बाद भी मैं नहीं माना। मैंने कहा मेरी जनता परेशान है, ना नमाजी नमाज को जा रहे हैं, और ना ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और ना ही कोई हमारे यहाँ त्यौहार मनना है इस इलाके में, 6 महीने हो गए, और ना ही कोई हम ब्याह शादी में कोई काम कर रहे हैं। और मेरी समस्या ये है, मैं अपनी जनता के लिए नहीं लड़ूंगा तो किसके लिए लड़ूंगा? मेरी तो जान माल सब कुछ मेरी जनता के लिए है, और मैं हटूंगा नहीं पीछे जब तक मेरा ये समाधान नहीं होगा। अब आपकी आगे क्या रणनीति है? आगे रणनीति ये है कि मेयर साहब ने सब पार्षदों की मीटिंग ली थी कल, और उसमें ये तय हुआ, और हमारे उपाध्यक्ष रंजन शर्मा भी थे और सारे पार्षद मौजूद थे, ये तय पाया गया कि मंगल के दिन हम जाएंगे, और जनता भी जाएगी, और हमारी जो ये समस्या है, और वो जो है मंगल दिवस की जो है मंगल, हम दंगल की जगह बनाएंगे, दंगल होगा हमारा नगर एग्जाम से। यानी कि मंगल को आप दंगल दंगल करेंगे? बिल्कुल, जनता हमारी दंगल दिखा देगी उनको कि हाँ जी आप सुनवाई नहीं कर रहे किसी की भी, किसी का कोई काम नहीं हो रहा, ना बीजेपी वाले का हो रहा और ना हमारा हो रहा, ना कोई समस्या, कोई टेंडर नहीं लग रहा। देखो 6-8 महीने हो गए। आपने अपने विधायक रफीक अंसारी से बात की इस बारे में? रफीक अंसारी जी के यहाँ मेरे महल्ले के लोग गए थे, काफ़ी लोग गए, लेकिन उन्होंने आज तक भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया, ना वो आके देखा उन्होंने, और ना ही कभी ये पूछा कि भाई आप किस तकलीफ में हो, जबकि वोट मांगने का हक उन्हें भी था, उन्हें वोट भी दिया और जिताया भी है, 2 बार जिता दिया, लेकिन जनता के बीच में अगर वो आएंगे तो अच्छा मैसेज जाएगा, अगर नहीं आएंगे तो भाई मैसेज जनता अपना आप देख लेगी फिर बाद में। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बनी रहेगी हमारी इस खबर पर बराबर नजर। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।